अगर तुम मेरे से पूछो वन पीस के वर्ल्ड में कौन सा ऐसा डेविल फ्रूट है जो काफी ज्यादा अंडररेटेड है, तो उसमें आएगा जोआन डेविल फ्रूट। और खासकर तो जो एनिमे फैंस है वो लोग तो अभी भी जोआन डेविल फ्रूट को काफी ज्यादा अंडररेटेड ही समझते होंगे, बिकॉज ये जो डेविल फ्रूट है ये इतना ज्यादा फेमस वन पीस के वर्ल्ड में नहीं था जब तक इसका अवेकनिंग नहीं हुआ था। जब लूफी का डेविल फ्रूट अवेकनिंग हुआ उसके बाद हमें पता चला कि भाई ये डेविल फ्रूट तो काफी ज्यादा खास है, बिकॉज इससे पहले मतलब वन आर्क से पहले अगर तुम मैं पूछो या फिर कह लो हजारों चैप्टर से भी पहले पूछो, तो जितने भी वन पीस फैंस भाई वो लोग इसको बस ऐसा समझते थे ये किसी जानवर की पावर देता है बस। लोग काफी ज्यादा यार पैरामीसिया और लुगिया को प्रिफर करते थे जोआन के बजाय, बिकॉज अगर तुम लुगिया डेविल फ्रूट यूजर हो तो तुमको काफी ज्यादा फायदा मिलता है। जिसको हाकी नहीं आती वो तुम्हें अटैक ही नहीं कर सकता, कुछ भी अटैक करेगा तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। बात करूं पैरामीसिया वालों की, तो देखो पैरामीसिया वालों में जिस हिसाब से यार व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट था ना, गोरा गोरा नोमी या कह लो ट्रिमर फ्रूट, भाई वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है बंदा, वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। तो हाँ पैरामीसिया क्लास भी काफी ज्यादा फेमस हुआ था। और लूफी का जिस हिसाब का डेविल फ्रूट पावर था स्टार्टिंग में हमें जिस हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया था उसका डेविल फ्रूट पैरामीसिया क्लास का, तो हाँ लोग पैरामीसिया को भी ज्यादा पसंद करते थे। और काटाकुरी डॉफ्लामिंगो ये दो ऐसे कैरेक्टर्स है ना, इनके टाइम पे तो पैरामीसिया क्लास और ज्यादा फेमस हो गया था। बट अब जोआन की बारी है, बिकॉज हम सबको पता है जोआन डेविल फ्रूट काफी ज्यादा स्पेशल टाइप का डेविल फ्रूट है। पहले तो यार इनके पास खुद की सोचने की क्षमता होती है, और ये बात खुद गोरोसे ने कंफर्म किया है। हाँ भाई डेविल फ्रूट खुद सोच सकता है अगर वो डेविल फ्रूट जोआन है तो, प्लस इसका अवेकनिंग भी एक अलग टाइप का ही होता है। ये अपने यूजर के सोच के हिसाब से काम करता है, मतलब अगर वो अपने बॉडी को जिस हिसाब से सोचे ना, खासकर तो लूफी का अवेकनिंग, जिस हिसाब से लूफी और काइडो का अवेकनिंग के बाद फाइट दिखाया गया वहां पर ही पता चल गया भाई लूफी बिना कुछ बोले वो अपने शेप को चेंज कर पा रहा था, अगल बगल की चीजों को रबर में चेंज कर पा रहा था। मतलब इसका डेविल फ्रूट अवेकनिंग इस तरह का था ना, आधा पैरामीसिया भी फील दे रहा था और जोआन भी फील दे रहा था, जिसको देखने के बाद भाई हर वन पीस फैंस तो यार सातवें आसमान में पहुंच गया था। लेकिन अब हम जरा बात करते हैं कि क्या बस इतना से ये चीज खत्म हो जाता है? नहीं, देखो वन पीस के वर्ल्ड में बहुत सारे रेयर मिथिकल जोआन डेविल फ्रूट यूजर है, जैसे कि काइडो हो गया, मार्को, अपना सेनगोकू, यामाटो, और भी कैरेक्टर्स हैं जिनके मेरे नाम याद नहीं आ रहा मेरा दिमाग में, पर ये भी ऐसे डेविल फ्रूट यूजर्स हैं ना, इनका डेविल फ्रूट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, खासकर तो सेनगोकू का। भाई तुम इमेजिन करो ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग था, ब्लैक बियर्ड के हाथ में व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट आने के बाद भी इसने ब्लैक बियर्ड को कुत्तों की तरह मारा था। मतलब वहां बता दिया था कि सिर्फ डेविल फ्रूट ले लेने से तुम्हारी औकात नहीं बढ़ जाती, तुम उतने के उतने ही रहोगे। और वहां पर इसने प्रूव भी किया था, आखिर क्यों रॉजर ने कहा था अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो सेनगोकू या गार्प को भेजो, बिकॉज सेनगोकू भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसका डेविल फ्रूट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और उसका डेविल फ्रूट जिस हिसाब से लिया गया है और जिस हिसाब का पावर प्रोवाइड करता है काफी ज्यादा खतरनाक है। वैसे अभी तक हमें काइडो का डेविल फ्रूट अवेकनिंग नहीं देखने को मिला है। हाँ मुझे पता है मैंने बोला था कि उसका डेविल फ्रूट अवेकन हुआ वो फायर वाला अटैक के बाद, लेकिन वो अवेकनिंग नहीं था, मेरी गलती थी। लेकिन काइडो का डेविल फ्रूट भी अभी तक अवेकनिंग नहीं दिखा है। अब तुम लोग बोलोगे उसने लूफी के खिलाफ अपना अवेकनिंग क्यों नहीं दिखाया, पता नहीं उसकी मर्जी क्यों नहीं दिखाया, लेकिन उसका अवेकनिंग अभी तक नहीं दिखा है। इतना चूतिया टाइप का उसका अवेकनिंग हो नहीं सकता। जिस हिसाब से यार लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन हुआ है उसका भी कुछ खास तरह का ही अवेकन होता होगा। चलो देखते हैं फ्यूचर में, शायद उसका अवेकनिंग हमें देखने को जरूर मिलेगा, तो पता चल जाएगा उसका अवेकनिंग किस तरह से काम करता है। बात करूं अगर मैं यामाटो की, तो देखो यामाटो का हाइब्रिड फॉर्म दिखा, उसका भी अवेकनिंग नहीं दिखा है। हो सकता है जब वो अपने अवेकनिंग वाले फॉर्म में आ जाए तो हो सकता है अगल बगल की चीजों को वो बर्फ में कन्वर्ट कर दे, जिस तरह से आउकीजी का डेविल फ्रूट किया करता है, पता नहीं। लेकिन उसका भी अवेकनिंग बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। वैसे यहाँ पर तुम जरा गौर करना, यहाँ पर जब मैं अवेकनिंग की बात कर रहा हूँ जोआन डेविल फ्रूट की, वो भी खासकर मिथिकल जोआन डेविल फ्रूट की, तुम्हें नहीं लगता इनका जो डेविल फ्रूट वाला जो कैटेगरी है ना, ये अब तक के स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनिंग यूजर्स पे आएगा? बिकॉज लूफी का डेविल फ्रूट जिस हिसाब से अवेकनिंग हुआ भाई, उसका डेविल फ्रूट तो साक्षात नीका से लिया गया। तो हाँ ये मजाक का बात नहीं है, ये आने वाले टाइम पे और भी जब हमें जोआन डेविल फ्रूट यूजर्स के अवेकनिंग दिखाएगा तो तहलका मचा देगा पूरा का पूरा कम्युनिटी में। और मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ कि यामाटो लूफी के क्रू को ज्वाइन करे। वैसे अगर वो क्रू को ज्वाइन करती है ना, काफी ज्यादा उसका क्रू जो ओवर पावर्ड हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी जोरो, सांजी, जिनबे है, और वो आने के बाद वो तो भाई काइडो की डॉटर है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो हाँ उसका क्रू भी बहुत ज्यादा ओवर पावर की तरह लगेगा। बट हाँ अगर ये लूफी
के क्रू में रहेगा ना, तो हमें इसका पावर धीरे धीरे पावर अप होता हुआ और दिखेगा, जिससे यामाटो जो है आगे जाके अवेकनिंग भी दिखाए, और उसका अवेकनिंग देखने का इंतजार मेरे को काफी देर से। सच कहूं तो मैं काइडो से भी ज्यादा इसका अवेकनिंग देखना चाहता हूं, बिकॉज काइडो को फिलहाल के टाइम के लिए ओडा ने फाइट से दूर कर दिया, मतलब वो सीधे वोल्केनो के नीचे जाके गिरा है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि काइडो लेलिन मर जाएगी, मेरे को लगता है ये दोनों जिंदा रहेंगे, भले ही डैमेज बहुत ज्यादा पहुंचेगा पर ये लोग वापस आ जाएंगे, और काफी ज्यादा मुझे भरोसा है काइडो पे कि काइडो वापस आ सकता है। हाँ यार तुम सही समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो जुआन डेविल फ्रूट है ना, उसको आज से पहले काफी ज्यादा इग्नोर किया गया, पर लूफी का अवेकनिंग के बाद ये जुआन डेविल फ्रूट को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल जाएगा। इसका पावर के बारे में सभी को पता चल चुका है, खासकर मांगा रीडर वालों को, लेकिन जो लोग एनिमे वॉचर है उनको अभी भी ऐसा लग रहा हो कि ये सब मजाक चल रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज आज से पहले मुझे याद है जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए थे, उस वक्त हम लोग जुआन डेविल फ्रूट को बस ऐसे इग्नोर करते थे कि हाँ ठीक है ये डेविल फ्रूट है बस थर्ड कैटेगरी है, ऐसा देखते थे। बिकॉज लुगिया बहुत ही ज्यादा कूल टाइप का पावर देता है, एस को देख लो भाई, जिस हिसाब से उसका पावर था ना स्मोकर को, भाई टाइम स्किप से पहले जब हाकी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, स्मोकर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता था, कितना ज्यादा खतरनाक लगता था, बिकॉज उसके पास लुगिया डेविल फ्रूट था, लुफी उसको टच नहीं कर सकता था, लेकिन टाइम स्किप के बाद हम सबको पता उसका ढोल बना दिया, कोई भी आके उसको पीट रहता है। वहीं अगर मैं बात करूं टाइम स्किप से पहले, तो हमें लुगिया डेविल फ्रूट प्लस पैरामीसिया डेविल फ्रूट का कुछ ज्यादा ही दबदबा दिखाया गया था, लेकिन टाइम स्किप के बाद या कहूं मैं वानो के बाद, सॉरी वानो में ओनिगासिमा रेड जब हुआ, वहां पर जिस हिसाब से जुआन डेविल फ्रूट को काफी ज्यादा दिखाया गया, चाहे वो किंग हो, क्वीन हो, काइडो हो या फिर बीस्ट पायरेट के बाकी के मेंबर्स हो, और बाद में ये पता चलता है कि लूफी का डेविल फ्रूट भी एक जुआन है, वो भी रेयर मिथिकल जुआन है, ऊपर से ऐसा मिथिकल जुआन है ना जिसका नाम सुनने से भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट की तक फटती है। वो लोग नहीं चाहते कि निका अवेकनिंग, वो लोग नहीं चाहते कि जॉय बॉय आए। खैर वन पीस तो मिस्ट्री से भरा हुआ रहेगा, अभी तो बस मिथिकल जुआन को ही दिखाया है, और पता नहीं ये आगे जाके क्या क्या चीजें दिखाए, मैं देखने के लिए इंतजार करूंगा। और हाँ चैप्टर आएगा यार, अभी है 15-20 दिन से ज्यादा है, लगभग 20 दिन के आसपास है, तो वेट करो चैप्टर का, देखते हैं आगे ओडा क्या अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, बिकॉज जिस हिसाब से यार बाकी के मांगा राइटर वापस आ रहे हैं जो ओडा को टक्कर दे सकते हैं, तो हाँ ओडा भी अपना ट्रम्प कार्ड निकालने से नहीं चुकेगा, तो इस वजह से मैं वन पीस के आने वाले चैप्टर्स को रीड करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। और तुम सबका क्या मानना जरा कमेंट बॉक्स में बताओ इसको लेकर के, और कुछ और कमेंट बॉक्स में पूछना है तो पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और अगर कोई टॉपिक है तो तुम लोग कमेंट बॉक्स पे अपनी राय दे सकते हो कि इस पे बना सकते हो, कोई ढंग का टॉपिक देना, वर्सेस बैटल मत करवाना। खैर वीडियो पसंद आया लाइक करना करो, नहीं करना मत करो, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।